हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम डिलीशियस। आज हम बनाएंगे यम्मी एंड चीजी मैक्रोनी। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी, जिसके लिए हमने पैन में पहले मक्खन लिया है, उसको हम मेल्ट होने देंगे। हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल, बेसिकली हमें अपनी सारे वेजिटेबल्स को सॉटे करना है, बिल्कुल पूरा पकाना नहीं है, बस सॉटे करना है, ताकि जब हम हमारा मैक्रोनी खाएं तो जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे मुंह में आए तो क्रंची टेक्सचर आए। जो हमने यहाँ पे अनियन लिया था वो फाइनली चॉप था, अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड कैरेट लेंगे, उसको भी सॉटे करेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन्स ली है कटी हुई, वो भी डालेंगे इसके अंदर, अप्रॉक्स 1/4 कप, इसको भी हम सॉटे करेंगे अच्छे से। जो फ्लेम है वो हमारी मीडियम पर है। तो हम देख सकते हैं जो हमारी वेजिटेबल्स है अच्छे से क्रंची हो चुकी है, अच्छे से सॉटे भी हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे थोड़ा सा और सॉल्ट। अभी हम थोड़ा सा इसलिए डालें क्योंकि हम जब अपनी सॉस बनाएंगे तो वो उसके अंदर भी डालेंगे, तो इसलिए। हमारी वेजिटेबल्स जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून बटर, इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें रेशियो जितना हम बटर लेंगे उतना ही हम मैदा भी लेंगे, तो जैसे यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया तो उतना ही मैं 2 टेबलस्पून मैदा भी लूँगी, 1:1 का रेशियो रहेगा। हो गया है तो हम इसमें हमारा फाइनली चॉप्ड गार्लिक डालेंगे अच्छे से, सॉटे करेंगे इसके अंदर। हमारी गार्लिक को तब तक इसके अंदर बटर के अंदर सॉटे करना है जब तक थोड़ी सी फ्रेगनेंस नहीं आनी शुरू हो जाती हमारे गार्लिक की। अब इसमें धीरे धीरे फ्रेगनेंस आनी शुरू हो चुकी है गार्लिक की, तो अब हम इसमें हमारा 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करें। यह देख सकते हैं हमारा जो मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें स्मेल आनी शुरू हो चुकी है, तो अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। हाँ, मैंने 2 कप दूध लिया है, हम इसको एक साथ ही डालेंगे वरना लम्स आ जाएंगे इसके अंदर। हम धीरे धीरे अब हम इसमें और दूध डालेंगे। अभी आपको इसमें लम्स दिखाई दे रहे होंगे बट धीरे धीरे जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये सारे लम्स चले जाएंगे, और हमें एक साथ दूध नहीं डालना है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी जो भी लम्स हैं वो सारे बच जाए।
तो हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर लिया था और 2 टेबलस्पून मैदा, तो उसके लिए हमने 2 कप दूध लिया, यानी 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून बटर एंड 1 कप मिल्क रेशियो रहता है इसका। देख सकते हैं जो हमारी सॉस है वो ऑलमोस्ट पूरे इसमें से लम्स चले चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी सॉस रेडी है, सारे लम्स इसमें से हट चुके हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अच्छे से गाढ़ा होने तक। थोड़ी थोड़ी ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है, तो हम इसमें हमारा चीज़ क्यूब डालेंगे जो मैंने पहले से ही शेड करके रख लिया। जो हमने इसके अंदर चीज क्यूब डाला है उसको हम अच्छे से होने देंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं हमारी सॉस की थिकनेस कितनी हो चुकी है, ये थिकनेस हुई है चीज के डालने के बाद। अब हम इसमें हमारी सीजनिंग्स डालेंगे, तो पहले हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितने आपको चाहिए। फिर मैं डालूंगी ऑरिगेनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सॉल्ट हमने पहले से हमारी वेजीज में डाला हुआ है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे। तो अब इसके अंदर हम हमारी वेजेस डालेंगे। अब हमने इसमें हमारी वेजेस डाल दी है, वो अच्छे से हमने अपनी सॉस के अंदर मिक्स कर दी है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया वेजेस डालने के बाद। अब इसमें मैं अपना जो मैं बना रही हूँ आज मैक्रोनी, उसके अंदर अपने स्टाइल से बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें मैं डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ली है और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब देख सकते हैं इसके अंदर कितना प्यारा कलर आया है पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद। अब हम इसमें हमारी मैक्रोनी डालेंगे। अब हमने हमारी मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज डालेंगे, ये मोज़रेला चीज लिया मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सो ये रेडी है हमारी मैक्रोनी, ये रेडी है हमारी क्रीमी मैक्रोनी जिसको मैंने गार्निश करा है चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगैनो से। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। थैंक यू।